व्यापार के लिए और धंधे के लिए भी सभी आ रहे हैं। तो चैनल के लिए हमारे नगर सेवक साहब ने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है कि जो बेवर वगैरह पाया यहाँ बैठे हुए धंधे के लिए बेचारे और सभी व्यापारियों के लिए उन्होंने अपने तरफ से सभी को जो खून देकर उनकी हिम्मत बढ़ाने का ये जो प्रयास किया है हम उनका दिल से अभिनंदन करते हैं। ये चैनल के वास्ते ये सिस्टमेटिक हाँ ये ले सिस्टमेटिक ऐसा हाँ ऐसा नहीं आला नंबर एकदम सिस्टमेटिक धीरे धीरे ले पक्का रखता लेवल लेगा। अरे नहीं दिखता बोले क्या इसमें क्यों ना सब तरफ का लेवल तुम्हारा हो गया भाई क्या लगा क्या चेहरे पे कंडीशन कैमरामैन थोड़ा दूर हो जाओ थोड़ा आगे पीछे थोड़ा कॉल आया ना कैमरे में वीडियो में जाओ खड़े रहो तुम भी कैमरे में इन्होंने अपने आरी बहन के संस्कार किए हैं। अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो है गबूर पिंटू भाई जो है जहाँ भी है वो हमारे मेंबर साहब दारकुंडे साहब का सत्कार करें। बाकी कंजूसी कर रहे टाले वाले और हमारे अरजीत अजीत मजर खान पठान साहब जो अभी उस्मानिया पार्क के एरिया से नहीं बल्कि पूरे श्रीनगर से लोगों के दिल की धड़कन बन चुकी है। इन्होंने कभी पार्टी वगैरह के तालुक से फर्क नहीं समझा सर विकास के लिए सभी को सपोर्ट किया है। जैसे हमारे मजर भाई को सभी को पता है कि वो राष्ट्रवादी से प्रेम करते हैं लेकिन दारकुंडे साहब को उनका दोस्तान होने की वजह केवल ये है कि विकास का काम कौन कर सकता है वो बीजेपी से हो या किसी पार्टी से हो सिर्फ एरिया का विकास होना चाहिए और विकास के लायक जो आदमी चुने हुए हमारे दारकुंडे साहब को तो मैं चाहूंगा कि उनका सत्कार जो है खुद फारूक कादरी कर दे मजर पठान का बहुत बेहतर रहेंगे। मैं ये चाहूंगा कि हमारे इरफान भाई जो है ये हमारे साथ में आए सभी मेहमानों के साथ में एक इमरान भाई भी मेहमान में गेस्ट में आ चुके हैं तो इरफान भाई जो है वो इमरान भाई का सत्कार कर दे। मैं ये चाहूंगा कि कुछ लोग नाराजगी हो जाती है आपके यहाँ के सभी बाजार वाला बाजार में जो धंधा करने वाले लोग हैं व्यापारी वर्ग आपको सब शुभकामनाएं मेरे तरफ से मजर भाई तरफ से और नदीम भाई तरफ से। ये जो बाजार भरे ले ये हम लोगों की बदौलत है कि आपके पीछे खड़ा रहे। आप लोगों ने हमको बोला कि भाई ऐसे ऐसा गरीब लोगों का विषय है हम सब लोग नजीम भाई वो है अपने मजर भाई है सब जो तुम्हारे जो यहाँ के कार्यकर्ते वो जैसे हम लोगों ने ये आवाज बढ़ा उसकी हम लोगों ने जो नगर पालिका में जो तुम्हारा विषय था उस हिसाब से झगड़ा करके अभी एक दिन का चालू है अपना ये कंटिन्यू रखने का अपना विचार है। तो आप लोगों को एक ही विनंती सब समाज के लोगों ने सब शांति से में यहाँ धंधा करने का जो चार चार घंटे का अपना टाइम दे लो और जो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग और सब मिल के प्रयास करेंगे कि कंटिन्यू अपना आठ दिन का बाजार भरे क्योंकि अभी मैं शिवाजी नगर के पुल की वजह से जो प्रश्न उठाऊंगा उसमें वही इसका प्रश्न उठाऊंगा कि बाजार में कहाँ से जाना हमने शिवाजी नगर में ये नजीक गिरेगा पूरे समाज के लोगों के इसलिए हम सब लोग मिलके इसको डट के सामना करेंगे। जरूरत करने वाले करते रहेंगे पर काम करेंगे। जनलाइक फाउंडेशन के अध्यक्ष भी आ चुके हैं यहाँ पर सभी सामाजिक संस्थाएं और हमारे दारकुंडे साहब हमारे नगर सेवक चयनित जिसको बोलेंगे उनके लिए कोई मिसाल ही नहीं अल्फाज देना बहुत मुश्किल जा रहा है क्योंकि इतने लोग पेड़ भर रहे हैं इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है और वो अपने जरिया बने हैं
इसके लिए उनके लिए अल्पाय इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं कि वो अनमोल काम कर रहे हैं उन्होंने, ताकि कोई बेवा या कोई यतीम बच्चे जो भी यह धंधा करने बैठे हैं वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए, अपनी खुद की मेहनत पर बलबूते पर जो है दो पैसे कमाने की उसके अंदर एक नई उमंग जगह तरंग जगह, ये उद्देश्य हमारे नवनाथ दार गुंडे साहब का रहा है। और ब्रिज के लिए भी काफी समय से वो लड़ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ब्रिज चालू तोड़ने से पहले दूसरा रास्ता चालू होना चाहिए, इसकी उनकी प्रयास रहा है और उनके साथ में हम सबको जाहिर पाटिंबा है और हमेशा रहेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे दारगुंडे साहब सभी आए हुए जो यहाँ पर माहौल बने हैं, सभी व्यापारियों के हिम्मत बढ़ाने के लिए अपने दो अल्फाज से उनकी हिम्मत बढ़ाए, ताकि लोगों में भय बचा हुआ है कि कुछ लोग हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों के ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हम सत्ता में है और सत्ताधारी जो है हमारे नगर सेवक हमारे साथ है। जब सत्ता में नहीं थे, जब वो इतने डेंजर थे कि उन्होंने ये बोलेंगे शेर की उम्र खुराक लेकर आना, आज तो खुद उनके हाथ में सत्ता है। जलगांव शहर की नाक है और पहला बाजार है नवनाथ दारगुंडे साहब के बदौलत यहाँ पे भरा है। जलगांव शहर में अपक्षों नवनाथ आज उस्मानिया पार्क और शिवाजी नगर में ये जो मंडे बाजार भरा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छा काम शुरू हुआ है शिवाजी नगर में, क्योंकि आज शिवाजी नगर में कोई भी सब्जी और कोई भी ज़रूरत की चीज़ लेने की के लिए हमें पुल के उस पार जाना पड़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह ये बाज़ार भरने से अब हमारी माँ बहनों को और सभी को जो परेशानी होती थी अब वो नहीं होगी, इसीलिए मैं इस बाज़ार भराने वालों को और इसमें मदद करने वाले सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया और अभिनंदन करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी पहल उन्होंने शुरू की है। मैं ये मंडे बाज़ार के ताल्लुक से आपसे ये कहने जा रहा हूँ कि जलगांव शहर में पहला ऐसा मंडे बाजार रहा है कि जिसमें परेशानियां तो बहुत आई है, लेकिन आज यहाँ पर अल्लाह के करम से हर जरूरत की चीज़ें मौजूद हैं। मैं चाहूँगा जलगांव शहर के सभी माओ बहनों से कि वो उस्मानिया पार्क की तरफ जो बाजार यहाँ भरा है उस्मानिया पार्क में, इसमें आकर अपना योगदान करें और अच्छी से अच्छी यहाँ खरीदी करें, ताकि यहाँ बैठने वाले सभी व्यापारियों की हिम्मत अफजाई हो। हालांकि बाजार माशाल्लाह भर रहा है, फिर भी मैं चाहूंगा कि जलगांव शहर के सभी लोगों को विनंती है कि यहाँ आकर बाजार में अपनी जरूरत की चीजें खरीदें। यहाँ पे हर जरूरत की चीजें मुहैया की गई है, जिसके अंदर संसार की लगने वाली बारीक हर चीज से लेकर सब्जी तक की यहाँ मौजूद है। मैं सभी से चाहूंगा कि आए और अपनी जरूरत की चीजें ले। सिर्फ बाजार का अल्फाज नहीं है मेरा, आप चाहे तो बाजार पूरा देख सकते हैं, बाजार किस तरह भरा है और हमारी माँ बहनों के पर्दे का भी ख्याल रखा गया है। और उस्मानिया पार्क विजयनगर शिवार के जितने नौजवान हैं।